Hello guys, how are you all? This is Jassi, faculty of English from GOODLUCK Institute. So in our this video, we are going to learn about contractions. पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि contractions का हमारे English में use होता क्या है. Contractions use किए जाते हैं जब हम दो words को merge कर देते हैं. कुछ words हमारे दोनों words में से delete कर दिए जाते हैं. Contraction हमारे fluency में work करते हैं, हमें capable बनाते हैं ताकि हम अपनी fluency अच्छी तरीके से grip कर सकें. और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, contraction जो है हमारे means squeezing two words to combine. हम क्या करते हैं, दो word को squeeze कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं उनको और उनको आपस में जोड़ देते हैं और दोनों में से कुछ एक हमारे जो letters होते हैं वो deleted हो जाते हैं. यहाँ पर मैंने 10 contractions लिखे हुए हैं, उनका proper use भी लिखा हुआ है, examples भी लिखे हुए हैं. आइए one by one हम सभी contractions को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन contraction का यूज नहीं कर पा रहे थे, मगर अब इस वीडियो के बाद आप contraction का यूज कर पाएंगे. बहुत सारे आपको सॉन्ग्स भी समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे आपको जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं इंग्लिश मैन की या जो भी लोग बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और आपको लगता है कि आपको उनके वर्ड समझ में नहीं आए क्योंकि वो लोग contraction का यूज ज्यादा करते थे. लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोगों ने पहले कभी जो contraction किए हैं, जैसे हम do not को don't लगा देते थे, does not को doesn't बोलते थे, will not को want कहते थे, तो हम इन words में apostrophe लगा के t का use कर देते थे not में. लेकिन ये जो हमारे contraction हैं, ये सारे के सारे हमारे informal हैं. जी हाँ, अब मैं इन पर informal contraction क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताए थे जैसे don't हो गया, doesn't हो गया, ये सारे हमारे formal हैं, हम इनको अपने grammar में proper use करते हैं. लेकिन अगर आप सोचो कि ये जितने भी contraction मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप अगर किसी अपनी formal जगह पर use कर रहे हैं, आप अपने office में use कर रहे हैं या आप कोई mail लिख रहे हैं अपने official को, तो उसमें आपको एक contraction use नहीं करने हैं. अब आप सोचेंगे फिर फायदा क्या हमारा इसको करने का, तो इनका जो फायदा ये है कि आप इन contraction को use कर सकते हैं अपने friends के साथ, non-official work में use कर सकते हैं, WhatsApp पे use कर सकते हैं, फेसबुक में किसी से चैट करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी और प्लस कहीं पर भी अगर आप बात करते हैं किसी के साथ भी तो आप इनको यूज कर सकते हैं. तो आइए चल के देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रेक्शन है हमारे कैसे शॉर्ट होते हैं, जब ये शॉर्ट होते हैं तो कैसे ये वर्ड नए बन जाते हैं, इनको थोड़ा सा एलोवेट भी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. सबसे पहला हमारा यहाँ पर है गिमी. गिमी का मतलब होता है गिव मी. इन दोनों वर्ड को स्क्विज करके ये गिवी बनाया गया है. इसका हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, लाइक गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक ग्लास वाटर दे दो. तो गिव मी का मतलब क्या होता है, मुझे दे दो. तो इसको हमने शॉर्ट में क्या बोला, गिमी. फाइन. सेकंड है हमारा गोना. गोना जो है दो वर्ड गोइंग टू को मिलाकर बना, इसका मतलब है कि करने जा रहा हूं. लाइक ही इज गोना टेल यू समथिंग, यानी वो आपको कुछ बताने जा रहा है. तो हमने गोइंग टू की जगह हमने गोना यूज किया अपना कॉन्ट्रैक्शन. थर्ड है हमारा गोटा. गोटा का मतलब होता है हमारा हैज टू. हैज टू मैं आपको बता ही चुका हूं, हैज टू का मतलब होता है किसी काम को जब आपको करना पड़ रहा है या पड़ता है, जब आपकी उसमें कोई कंपल्शन होती है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जब भी हम गोटा का यूज करेंगे गोटा के बाद हमें अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. एग्जाम्पल देखते हैं, आई गोटा गो, यानी मुझे जाना है. अगर मैं बोलता हूं आई गोटा स्लीप, तो मुझे सोना है. या हमने बोला कि यू गोटा डू दिस, तो आपको ये करना है. इस तरीके से हम गोटा के बाद वर्ब की अपनी फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं और अपने कॉन्ट्रेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा काइंडा. काइंडा का मतलब होता है हमारा काइंड ऑफ. काइंड ऑफ का मतलब होता है के जैसा. इसका एग्जाम्पल है लाइक यू आर काइंडा क्यूट, यानी आप क्यूट से हो. तो हमने क्या किया, काइंड ऑफ को शॉर्ट में हमने क्या पढ़ दिया, काइंडा. फिफ्थ है हमारा वाना. वाना हमारे दो वर्ड वांट टू को जोड़कर बनाया गया है, जिसका मतलब हमने यहां पे लिखा चाहता हूं. जैसे मैंने लिखा आई वाना गो होम, यानी मैं घर जाना चाहता हूं. यू वाना टॉक टू मी, आप मुझसे बात करना चाहते हो. तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे यहां पर लेमी. लेमी का मतलब होता है हमारा लेट मी. जी हाँ, ये हमारा लेट और मी को हमने स्क्विज करके बनाया हुआ है लेमी. जैसे let me speak, मुझे बोलने दो. let me go home, मुझे घर जाने दो. let me rest, मुझे rest करने दो. let me think again, मुझे दोबारा सोचने दो. इस तरीके से हम let me का यूज करेंगे अपना, let me की जगह हम let me का यूज करेंगे अपने. इसके आगे है हमारा सेवेंथ do no. do no हमारा
तीन वर्ड को स्क्विज करके बनाया गया है डू यू नो. जी हाँ, डू यू नो की जगह अब मैं क्या बोलूंगा, डू नो. जैसे डू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो. डू नो इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है. तो डू यू नो की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, डू नो. फाइन. इसके अगला है हमारा हाफ टा. ये हमारा हैव टू को शॉर्ट करके बोला गया है. लाइक आई हैव टू गो, आप गोटा को भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर आप हैफ्टा भी बोल सकते हो इसको. तो हमने हैव टू को शॉर्ट कर दिया हैफ्टा. आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू टॉक टू यू, यू हैव टू कम हियर. इस तरीके से हम हैव टू को हैफ्टा बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है यहां पर हैस्टा, यानी हैज टू का शॉर्ट हैस्टा. ये हम हैज टू की जगह यूज करते हैं. लाइक शी हैज टू कम हियर, उसको यहां पर आना है. रवि हैज टू कम, रवि को आना है. रानी हैज टू कुक फूड, रानी को कुक खाना बनाना है. लास्ट है हमारा इसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये लग रहा है मुझे, तो शायद आपको भी लगेगा, ये है लौटा. अब आप बोलेंगे लौटा क्या है. लौटा हम यूज करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन, लौटा को हम यूज करेंगे लॉट ऑफ की जगह. जी हाँ, इन दोनों वर्ड को हम मर्ज करके स्क्विज करके क्या बना रहे हैं, हम लौटा. अब लौटा का मतलब होता है लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे. जैसे आई नो लॉट ऑफ पीपल, यानी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं. शी हैज लॉट ऑफ वर्क, उसके पास बहुत सारा काम है. तो हम लौटा का इस्तेमाल कर रहे हैं लॉट ऑफ की जगह. फाइन. तो हमने 10 कॉन्ट्रैक्शन सीखे हुए हैं. ये सारे कॉन्ट्रैक्शन हमारे जो है ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको लगता है कि आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, कोई आपको ऑफिशियल मेल डालनी है, या आप कोई ऑफिशियल लेटर राइटिंग का काम कर रहे हैं, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप अपने ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज ना करें. आप अपने नॉर्मल जो ग्रामर के हमारे वर्ड्स प्रॉपर होते हैं उनको यूज करें. बट आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, अगर आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, या आप किसी अपने फ्रेंड को मेल डाल रहे हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, कोई लेटर राइटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, तो वहां पर आप कहीं पे भी इन सभी इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं. फाइन. तो आगे से आप लोग इनका यूज करना, और ये हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. फिर लोगों को ये भी लगता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज है, जिसकी वजह से आप इन कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं. तो आपने मेरे साथ आज ये सीखे कॉन्ट्रैक्शन. ऐसे ही आपको और भी नई वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर हम इसी तरह की कुछ नई नई चीजें हमेशा सीखते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल गुडलक इंस्टीट्यूट.